देखिए, बिहार का हॉट सीट पूर्णिया बना हुआ है, लोकसभा में सबकी नज़र उसी के ऊपर है। काहे कि वहाँ पर पप्पू यादव हैं और आरजेडी से जो है वो बीमा भारती है। हमारे साथ पप्पू यादव के एक पार्टी के नेता मौजूद हैं जो पहले उनके पार्टी में थे, जन अधिकार पार्टी में। अब तो उनका विलय हो चुका है, पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिए हैं। और अब हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि पप्पू यादव का क्या हालचाल है। सुन रहे हैं कि तेजस्वी यादव पानी पिला दिए हैं पप्पू यादव के। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से लोकतंत्र की पावन पर्व पे सबको हार्दिक अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामना है। और पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज हमारी पार्टी का लगभग 9 साल हो गया था। किसी वजह से या किसी कारण से कांग्रेस में बातचीत करके विलय किए थे। लेकिन तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि पप्पू जी को पानी पिलाए हैं, तो पप्पू जी को पानी क्या पिलाएंगे वो? अभी तो समझ में नहीं आता है कि तेजस्वी जी चाहते नहीं हैं कि जो भी एक यादव जी के बात नहीं है, आप बेगूसराय से कन्हैया कप उठा लीजिए, पूर्णिया से आप पप्पू यादव को उठा लीजिए, आपका औरंगाबाद से निखिल जी को उठा लीजिए, तो कहीं ना कहीं इनकी सीट शेयरिंग में बहुत मिस यूज हुआ है। पप्पू यादव अपने आप में एक ब्रांड है, गरीबों के मसीहा है। जब आपके यहाँ पूर्णिया कितना दूर है और फतेहपुर कितना दूर है, आपके बगल के कोई घटना घटता है तो फतेहपुर में आपके बगल के जनप्रतिनिधि लोग नहीं पहुंच पाते हैं, एमपी विधायक या कोई मंत्री नहीं पहुंच पाते हैं। पप्पू जी आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। पप्पू जी की चर्चा पूरे आज देश में हो रहा है। पप्पू यादव भला कि पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी, कन्फर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पूरे देश में चर्चा। और कहीं ना कहीं हर जगह से यूथ, हर जगह से लोग जो उनके चाहने वाले लोग हैं, सब अपने परिवार खोज रहे हैं, सब अपने दोस्त खोज रहे हैं कि पूर्णिया में मेरे दोस्त कहाँ कहाँ हैं, सब उनके समर्थन में लोग जुटे हुए हैं। पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा बहुमत से पप्पू यादव का चुनाव निकलेगा वहाँ। अच्छा, हमको ये समझ में नहीं आता कि पूर्णिया ही क्या है। आप कहते हैं गरीबों का मसीहा है पप्पू यादव, ये है वो है, तेरे भाई पूर्णिया ही काहे पकड़े हुए हैं, काहे नहीं मधेपुरा जा रहे हैं, काहे नहीं सुपौल जा रहे हैं, और जगह काहे नहीं जा रहे हैं? बात बताते हैं, पप्पू यादव आप 5 बार वे सांसद रह चुके हैं, 2 बार निर्दलीय रहे पूर्णिया से, 1 बार सपा से निर्दलीय रहे, 2 बार मधेपुरा से भी रहे। तो जब पहले जब ये पप्पू आरजेडी में थे, लगभग 10 साल से जब अलग हुए, तो होता है ना कभी कभी, जैसे मान लीजिए, जैसे हम ही लोग एक लोकल पॉलिटिक्स में हैं, मान लीजिए हम क्षेत्र संख्या 42 के जिला परिषद हैं और हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो जहाँ आप काम कीजिएगा तो वहाँ तो लोगों से लगाव रहता है, कनेक्टिविटी रहता है। आप अब हम जगह दूसरे जगह चुनाव जाके लड़ेंगे तो थोड़ा सा तो लगेगा ना, लोग बाहरी है, बाहरी है, बाहरी लोग ऐसा करके रहता है। तो पप्पू यादव का पिछले बार मधेपुरा से चुनाव लड़े थे, ठीक है, तो आबरी मंशा बनाए थे कि हम पूर्णिया से लड़ेंगे, वहाँ के लोग, वहाँ के युवा लोग, वहाँ के जो समर्थक कार्यकर्ता लोग, तो वहाँ पूर्णिया लोग उनको बुला रहे थे। तो पूर्णिया में लगभग 3 साल से काम कर रहे थे, लोगों के बीच में ज़्यादा समय दे रहे थे, इसलिए पूर्णिया से उनको दिल लगा और लगा कि हम पूर्णिया से चुनाव ही लड़ेंगे, जीतेंगे भी। अच्छा, एक बात बताइए, पप्पू यादव की पार्टी तैयार जब हुई तो आप लोग इतना लाठी खाए, उनका पार्टी को बहुत आगे तक बढ़ाए, विलय करने के लिए आप लोगों से पूछे तक नहीं हुए, आप लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहा? नहीं, पूछे, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे, कभी कभी ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि जब हम लोग, देखिए आज पप्पू यादव कांग्रेस में विलय कर लिए या कुछ कर लिए, तो हम लोग के क्या बोलते हैं, जो मीटिंग हुई थी तो हम लोग से भी राय लिया गया था। तो हम लोग सोचे कि आप 10 साल संघर्ष किए लेकिन सीट एक भी नहीं आ पाए, तो वोटिंग का था, वोटिंग का अच्छा रेशियो रहा। और पिछले बार विधानसभा में लगभग विधानसभा हम लोग चुनाव लड़े थे, मेरी पार्टी पूरी विधानसभा में चुनाव लड़ी थी। अब पप्पू यादव जब लोकसभा चुनाव लड़े भी थे तो अच्छा वोट आया था, तो ऐसा नहीं कि राय नहीं, लेकिन हम लोग जान रहे थे कि किसी न किसी कारण से जब देश का जिस हालात है, उस हालात से कहीं ना कहीं गठबंधन होना चाहिए था। आप पार्टी विलय करने से पहले ही सुप्रीमो लालू जी से, लालू जी का ऐसा नहीं कि पप्पू जी हमेशा लालू जी के विरोध में रहे या कुछ रहे, जब भी उनकी तबीयत खराब हुआ है, जब उन पर लालू जी पर अत्याचार हुआ, कुछ भी हुआ है, तो सोशल मीडिया के मार्फत से जाके जब तबीयत खराब हुआ तो उनसे जाके मिलने का भी प्रयास किया, ऐसा नहीं कि नहीं मिले हैं, मिले हैं, विलय करने से पहले भी उनसे मिले हैं। लेकिन मधेपुरा और पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल के बारे में बार बार तेजस्वी जी और लालू जी पप्पू जी को कन्विंस कर रहे थे, लेकिन वहाँ उनको लगा कि हम यहाँ सीट नहीं निकल पाएंगे या कुछ कारण होगा, इसके चलते मधेपुरा सुपौल नहीं जा पा रहे। बीमा भारती कितना झटका दे सकती है पप्पू यादव को? देखिए, झटका क्या, आप बताइए कि बीमा भारती, एक हम तेजस्वी जी का हम एक प्रेस वार्ता में सुन रहे थे कि हम लोग के 4 महीना पहले से उनसे बातचीत चल रही थी,
या और लोगों से पार्टी से किसी भी बात करने से पप्पू जी को 4 महीना 6 महीना पहले बातचीत करते तो ये पूर्णिया हम लोग कन्फर्म कर सकते थे। लेकिन बीमा भारती 4 महीना पहले तो नहीं आई, बीमा भारती तो 4 दिन पहले आई, आप उसको पूर्णिया को टिकट के लिए कन्फर्म कर दी। ये मैसेज पूरे बिहार के ज़्यादा में बौखलाहट है। आप देख रहे हैं पूर्णिया कहाँ है, फतेहपुर कहाँ है, बिल्कुल यहाँ के जातक में भी आक्रोश है, यहाँ से आवाज़ उठ रहा है पप्पू यादव के लिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ के कार्यकर्ता तो हम किसी को बोले हैं, हम किसी को नहीं कुछ बोले हैं। कोई मेरा समर्थक कोई कार्यकर्ता पप्पू जी के बारे में ऐसा नहीं बोला कि या कुछ कहा नहीं। सब लोगों में लगता है कि एक सीट क्यों नहीं दे दिया। हम लोग जात पात का राजनीति नहीं करते हैं, कन्हैया यादव नहीं है, कन्हैया का हम लोग समर्थक हैं, इसलिए है कि एक यूथ है आगे बढ़ना चाहता है। सदन का खूबसूरती विपक्ष है, आप कितनों बड़ा महारथी हैं, यदि आपके आपके विपक्ष नहीं रहेगा तो आप सदन या कोई भी आप संस्था नहीं चला पाएंगे या अच्छे काम आप नहीं कर पाएंगे। सदन खूबसूरती का बहुत अच्छा मोहन, कन्हैया को नहीं दिया, पप्पू जी को नहीं दी, देना चाहिए था इस लड़कों। क्या लगता है एकदम पप्पू यादव जी जीत ही जाएंगे? एकदम लगे, आप हम आपसे तो आग्रह करेंगे कि हम जा रहे हैं 11-12 तारीख को साथ ही चलिए पूर्णिया से, आप देखिए बहुत अच्छा माहौल है। हाँ जीत जाएंगे एकदम कन्फर्म, उसमें कोई शक नहीं। क्या बात, निर्दलीय जीत जाएंगे। आप जीते भी हैं पहले भी दो बार, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई जीत रहे हैं। अच्छा क्या लगता है आरजेडी यादवों का इस्तेमाल करती है सर? देखिए इस्तेमाल नहीं करती है, जब आप बहुत पुरानी बात है, जब हम लोग के होश हवास नहीं था तो लोग बहुत तरह के बात बोलते हैं। जब आप 1990 याद करते हैं तो 2005 भी आपको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जब स्थिति जब खराब, आज मांझी जी की आप देख लीजिए ना, हर कास्ट के एक एक नेता पैदा हो गया है। बिल्कुल पासवान के देखिए तो चिराग हो गया, मांझी जी के देखिए तो जीतन राम मांझी हो गए, यादव के देखिए तो आप लालू जी हो गए, सब लोग के तो हो गए, सबको ना कोई कहीं ना कहीं सब लोग ला रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव एक हर जात में है, पप्पू चमार है, पप्पू पैठान है, पप्पू मियाँ है, पप्पू भूमियार है, पप्पू मियाँ है, सब कास्ट में उनका पूर्णिया में देखिए सब जात उनको मदद कर रहे हैं, हर जात उनको मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली एक जात में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल तो एकदम पूरा बिहार से यादवों का समर्थन, पूरे समाज का समर्थन मिल रहा है। देखिए पूर्णिया बिहार के राजनीति को तय करेगा। क्या बात, पूर्णिया जो है ना, पूर्णिया बिहार को राजनीति तय करेगा। हाँ। आप चाहिएगा कि हम किसी को छोड़ के आप अपने पूरे बिहार में राज कर पाए तो संभव वाली चीज़ नहीं है, सबको मिला जुला के चलना चाहिए। अब देखिए आप मालिक घर में कोई मुखिया परिवार का सदस्य मुख्य होता है तो पूरे परिवार को लेके चलता है, कम बेसी सबको देखता है। आप खाली मालिक के खूब कुर्ता पजामा झारे और घर के कम बेटा या घर का कोई भाई उसका गलत में कम ये रहेगा तो वैसे मलका नहीं चलता। आपको कुछ ना कुछ त्याग करते, एक सीट आप दिए देते तो क्या फर्क पड़ने वाला। मल्लाह को 3 सीट मिला है। अब इस आप देखिए आप क्यों आप तो कह रहे हैं कि भाई हम अति पिछड़ा को या पिछड़ा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो भाई इत पप्पू यादव आपको क्या खंजर भोग दिया था? तो वो बेटी को सीट मिला। अब तो भाई आप उसके बात मत कीजिए, अशोक जी अपने दूसरे पार्टी में बेटी को दूसरे पार्टी में देख के अपने लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम परिवारवाद पर नहीं जाना चाहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो संघर्ष का तवज्जो आपको देना पड़ेगा, आप नहीं दीजिएगा तो इसकी खमाजत आपको भुगतना पड़ेगा। नहीं आने वाला बिहार का विधानसभा, जैसे ही आपका लोकसभा समाप्त होगा बिहार का राजनीति का चर्चा शुरू हो जाएगी, फिर लोग आप जिस तरह से आप रुलाए हैं किसी को फिर तो आपको रोना पड़ेगा। नहीं आप ट्वीट करके लिखते हैं कि भाई आप एक समय में बोले थे कि पप्पू जी बोले थे कि दोनों भाई चुनाव हार जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देंगे, तो जब किस बात पर बोले थे उस समय रहता है, किस बात पर हम बोल रहे हैं उस समय रहता है, उस पे बात पर चर्चा होती है। चलिए तो देखना ये दिलचस्प हुआ कि क्या पूर्णिया सीट पप्पू यादव निकाल पाते हैं कि नहीं। पूरे बिहार के लोग पूर्णिया जा कर, देखिए 150-200 किलोमीटर दूर में ये रहते हैं और यहाँ से जा कर पप्पू यादव के लिए जो है कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव निश्चित तौर पर जीतेंगे। और बात रही कांग्रेस का, जिस अखिलेश जी जो बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष है उनको ये बावजूद नहीं रहा कि हम बेगूसराय की सीट तय करें, पूर्णिया की सीट तय करें, औरंगाबाद की सीट तय करें, वो तो बिहार में क्या राजनीति तय करेगा। पप्पू यादव गए कांग्रेस में तो कांग्रेस का वजूद बढ़ा, अस्तित्व बढ़ा, कार्यकर्ता में मनोबल बढ़ा। आप वैसे व्यक्ति को आप तोड़ दीजिएगा तो फिर आपके क्या कौन जाएगा? कांग्रेस कह रहा है कि नामांकन वापस ले लीजिए, ऐसा थोड़ा है, ये शेर भबकी न है, शेर न है जी, वापस नहीं लेंगे, जीवन में नहीं हो सकता है, लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूरी थी सरकार, बिहार या देश का हालात था, उनको लगा
कि भाई देश का हालात, हम कांग्रेस में जाएंगे तो एक बिहार से मजबूत मिलेगी तो पूरे देश में उसका ये होगा। आज राहुल जी के प्रति उनका स्नेह हुआ कि भाई पूरे जब माइनस डिग्री में जब ठंडा चल रहा था तो एक जीन्स और एक टी शर्ट पे पहन के जब राहुल जी जब यात्रा कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, तो लगा कि आदमी संघर्ष करेगा या कुछ करेगा, तो कुछ लगता है ना कसना। जैसे मान ली कि हमको पप्पू यादव के प्रति प्रेम हो गया, आज हम 400 किलोमीटर दूरी के हैं तब पर भी लगता है कि नहीं पप्पू यादव को चुनाव जीतना चाहिए, या मेरे मार्फत से पूरे फतेहपुर मोहनपुर टनकुप्पा इस इलाके में लगता है कि पप्पू यादव जन जन में गया था, हम लोग संघर्ष किए थे, आज उसका देने कि हम बहुत कुछ हमको मिला है समाज में। चलिए, तो आप पप्पू यादव को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जेके न्यूज़ 24x7 के लिए मैं समर राठौर गया से।